हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हायर की फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर अपना ERR7 जो कि अपना मोटर सेंसर डिफेक्टेड का एरर कोड है, और ERR1 जो अपना डोर लॉक, और ERR1 मोटर वायरिंग प्रॉब्लम। ERR1 जो एरर कोड है वो हमारा दो परिस्थितियों में आ सकता है, या तो अपना डोर स्विच खराब हो, या फिर जो हमारी मोटर वायरिंग है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो या कट हो, तो उसकी वजह से हमारा ERR1 का एरर कोड आ सकता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि इसके अंदर ERR7 और ERR1 एरर कोड आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर हमने प्रेशर सेंसर डिफेक्टेड ERR5 की एरर कोड की एक वीडियो बना के हमने अपने YouTube चैनल पे डाल रखी है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी जो इसके अंदर ये नॉर्मल से एरर कोड है, इसके भी हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहले स्टार्ट करके देखते हैं अपनी वॉशिंग मशीन को, और हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे स्पीड मोड के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है अपने वॉशिंग मशीन को। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो एरर कोड आ रहा है, जिसके वजह से हम बार बार परेशान हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें अपना ERR1 का एरर कोड आया है। तो ERR1 का जो एरर कोड था वो देखिए, मैंने आपको बताया था, या तो अपना डोर लॉक स्विच है जो, या तो उसका एरर कोड है ERR1, या फिर कहीं हमारी जो मोटर वायरिंग है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हम इस मशीन को अब इसके अंदर देखेंगे मेन सबसे पहले कहां दिक्कत आई है। तो देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं डोर स्विच। ये देखिए, इसका मतलब यहाँ पे डोर स्विच जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे ही देखा है वो डोर स्विच हो सकता है यहाँ पे स्क्रू की वजह से वो अंदर की साइड चला गया हो, जिसकी वजह से अपना ERR1 का एरर कोड शो हो रहा है इसके अंदर। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, इसका जो डोर स्विच होता है वो कुछ इस तरह यहाँ पे होता है। देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो वो नीचे की साइड में होता है एक डोर स्विच, जो कि लग रहा है नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ उसको, डोर स्विच को। ये देखिए, ये अपना जो डोर स्विच है ये, जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रही है। ये हो सकता है इसके जो स्क्रू थे वो इसमें नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना, हमने जैसे इसका डोर था वो बंद किया और जिसकी वजह से ये अंदर की साइड निकल गया। तो देखिए, कुछ इस तरह का अपना डोर स्विच होता है। इसको मैं डायरेक्ट करके आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, अभी कंफर्म हूँ। तो देखिए, इसको हम अभी डायरेक्ट करके देखते हैं स्विच को, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये अपना ERR1 किसी चीज़ का है या किस चीज़ का एरर कोड है। देखिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे पीछे की साइड पुश करना है, जिससे ये अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको एक बार फिर से, आपको जो मशीन ये पावर ऑफ करनी है तो इसको होल्ड रखना आपको 3 से 4 सेकंड, उसके बाद ये ऑफ होगी, अदरवाइज ये आपके फ्यूज का ऑप्शन दिखाएगी। तो देखिए, हमने दोबारा इसको लिया है हम स्पिन मोड पे, और इसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, आपको एक आवाज सुनने को मिल रही होगी जो कि इसके ड्रेन एक्चुएटर की वॉइस है। उसके बाद अभी ये चलेगी स्पिन मोड पे। देखिए, इस टाइम यहाँ पे ERR1 का एरर कोड नहीं आया, तो इसका मतलब जो हमारी मोटर की वायरिंग थी वो ठीक है, और बाकी मैंने इसको मैन्युअली होल्ड कर रखा है अभी डोर स्विच को। तो अभी देखते हैं हम ये अपने स्पिन मोड पे चलती है या नहीं चलती। ये देखिए, एक बार फिर से इसका जो ड्रेन एक्चुएटर था वो कनेक्ट में आया। ये देखिए दोस्तों, अपनी वॉशिंग मशीन जो स्पीड मोड में एक बार चल चुकी है, वो भी हम देखते हैं ये कंटिन्यूस फ्लो के साथ चलती है या फिर बीच में ही रुक जाती है। तो इसलिए हमें इसके अभी कुछ टाइमिंग नोट करनी पड़ेगी। देखिए, आपको जो उसका थ्रो है वो कितनी तेज लग रहा है, लगभग 1200 RPM पे चल रही है। देखिए, यहाँ पे स्पीड भी अपनी कंट्रोल करने के लिए
कि 1200 आरपीएम के ऊपर अपनी कंट्रोल अभी, तो अभी हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूस चलेगी या फिर रुकेगी या इसके अंदर कुछ और समस्या तो नहीं है, तो इसको अभी हम कंटिन्यू चलने देते हैं और फिर देखते हैं हम कि इसके अंदर और कोई एरर कोड आता है या नहीं आता, या फिर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा मिल चुका है। ERR1 का जो एरर कोड था आपका डोर ब्लॉक का, वो मैंने आपको दिखा दिया है, तो वो उसकी वजह से ये डोर लॉक इसका जो लॉक है वो पीछे निकला हुआ था, जिसकी वजह से ये नहीं दिखा पा रहा था। बाकी ये देखिए दोस्तों, इसने ERR7 का एरर कोड एक हमारे सामने वो निकल गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा वीडियो में ERR7 का। तो ये जो हमारा ERR1 का एरर कोड था वो शो कंप्लीट हो चुका है, उसको हम अभी लगा के चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ERR7 का एरर कोड है, मोटर सेंसर डिफेक्टिव। इसकी एक मोटर होती है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का सेंसर लगा होता है, जिसकी वजह से हो सकता है उसकी कोई वायरिंग ब्रेक हो या फिर वो सेंसर अपनी जगह पे ना लगा हो, कोई भी किसी भी कारण वो सेंसर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अपनी वॉशिंग मशीन ERR7 का एरर कोड दिखा रही है। तो उसको भी हम देखते हैं, चलो अभी इसको हम तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा था ना वो सेंसर कुछ वो इस तरह का, ये ब्लैक कलर का ये सेंसर है जो कि इसकी वायरिंग है। देखिए इसके अंदर एक मोटर होती है जिसके दोनों साइड ये कार्बन से, ये देखिए ब्लैक कलर के दोनों कार्बन है, और ये वो सेंसर है। इसका स्क्रू मेरे ख्याल से लूज है, जिसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। देखिए इसका सेंसर है, इसकी दो वायरिंग है जो कि आपकी मेन जो मोटर का इसमें जैक है उसके अंदर से निकली हुई है। तो इसको हम एक बार फिर से इसके लगा के यहाँ पे अपने टेस्टर की मदद से इसको कस के लगा के देखते हैं कि ये अपना एरर कोड दोबारा शो करती है या नहीं। तो देखिए जैसा कि आप देख चुके हैं, मैंने इसको कस दिया है दोबारा, तो अब इसको अपना एरर कोड शो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कर रही है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो इसकी ये वायर है वो ब्रेक है, उसकी वजह से भी कर रही है। ये देखिए इसके अंदर अपना हीटर भी लगा हुआ है, ये इसके अंदर हीटर के लिए है, और बाकी ये अपना ड्रेन एक्चुएटर का होता है। ये देखिए यहाँ पे ये इसके दो सॉकर्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको। बाकी इसका ये मोटर जो सेंसर था वो ये था, बाकी इसको मैं एक बार फिर से आपको चला के दिखाता हूँ ये चलती है या नहीं चलती। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको दोबारा एक बार स्पिन मोड पे लेके चलते हैं और इसको दोबारा एक्टिवेट करते हैं, जैसे हमने कर दिया स्टार्ट। तो अब इसके अंदर मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आनी नहीं थी। ये देखिए ड्रेन एक्चुएटर इसका चल चुका है, इसका मतलब जो अपना डोर स्विच का एरर कोड था वो कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जैसे ही स्पिन पे चलेगी तो आपको पता लगेगा कि ये एरर कोड शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए कुछ इस तरह की इसमें तो पार्ट्स लगी हुई है, ये देखिए इसकी कुछ इस तरह से पीछे जो मोटर है वो घूमती है, इसके अंदर ये पुल्ली है और ये पूरी मोटर है जो बेल्ट पे काम करती है। ये देखिए फिर से ड्रेन एक्चुएटर इसका शुरू हुआ है, जो कि यहाँ नीचे की साइड में लगा हुआ होता है, और ये अपनी मोटर है जो देखिए आराम आराम से चल रही है अब, क्योंकि अभी स्पिन मोड में पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी ये अपने फुल स्पीड पे फुल आरपीएम पे चलना शुरू कर देगी। तो अभी हम देखते हैं ये पूरे आरपीएम पे चलती है या नहीं चलती है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, अदरवाइज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो देखिए लगभग इसने अपने जो 3 राउंड है वो हमारे हो चुके हैं स्पिन के, और ये 4th राउंड भी ले चुके हैं स्पिन में, ये देखिए अब लगभग ये कंटिन्यूस राउंडिंग तैयार चुकी है। तो इसका मतलब जो अपना ERR7 एरर कोड था उसकी भी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन भी मिल चुका है। ये देखिए देखिए आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर वे में अपनी जो स्पिन है वो चलने लगी है। देखिए पहले एक दिन टाइम तक
नहीं चल रही थी जिसकी वजह से अपना एरर कोड शो हो रहा था, लेकिन अब कोई एरर कोड शो नहीं हो रहा है। तो ये देखिए जो अपने फुल स्पीड है, फुल स्पीड पे चल चुकी है, ये देखिए आप कंटिन्यूस जो इसका फ्लो है वो भी पकड़ चुकी है। तो जो अपना ERR7 का एरर कोड था जो, और ERR1 का एरर कोड था, वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर हम आपको एक एरर कोड और दिखा देते हैं जो कि मैंने जैसा कि आपको दिखाया था ERR1 डोर स्विच लॉक का भी था जो मैंने आपको दिखा दिया है, और जो मोटर वायरिंग है इसकी मोटर वायरिंग में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है जिसकी वजह से भी ये ERR1 का एरर कोड शो कर देगी। उस टाइम क्या होगा आपकी मोटर नहीं चलेगी, जैसे आप इसको स्प्रिंग या वॉश में डालोगे तो ये एरर कोड शो कर देगी। ये देखिए इसका मतलब जो स्पिन में है उस स्पिन में कंप्लीट चल चुकी है अपनी मोटर। जैसा कि हमने इसको स्टार्ट किया है इसमें जो स्टार्टिंग में है वो ERR3 का एरर कोड आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया था ERR1 का आएगा अगर इसकी मोटर वायरिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी। देखिए ERR3 पहले आएगा उसके बाद ये आएगा ERR1, इसका मतलब कहीं भी जो हमने इसमें मोटर के पास जो अपनी सप्लाई गई है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो हो सकता है PCB बोर्ड से ऊपर से या जो नीचे मोटर की जैक है वहां से हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ से है। तो देखिए ये मोटर की सप्लाई, ये मोटर सप्लाई का जैक है जो कि मेरे ख्याल से निकला हुआ था इसका। तो इसको हम सबसे पहले सेफ्टी पर्पज के लिए अपनी वॉशिंग मशीन को बंद करेंगे, उसके बाद इस जैक को हम लगाएंगे यहाँ पे नीचे, ये देखिए। तो अभी हमें पता लग जाएगा कि ये देखिए ये हमने इसको लगा दिया है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ अगर पॉसिबिलिटी हो पाती है तो। ये देखिए ये जो जैक है ये निकला हुआ था इसका, ये मैंने अभी लगाया है। इसको हम एक बार फिर दोबारा चालू करके देखते हैं अपने वॉशिंग मशीन को, अगर अभी ये चल जाती है तो जो अपने प्रॉपर वे में देखिए इसके अंदर अभी कोई एरर कोड नहीं आया है। अदरवाइज इसके अंदर जैसे हम इसको स्टार्ट कर देते इसके अंदर ERR3 का एरर कोड आ रहा था और उसके बाद ERR1 का भी एरर कोड आ रहा था। तो मैं इसको दोबारा आपको देखिए स्पिन और ये स्टार्ट करके देखते हैं कि इसमें दोबारा कोई एरर कोड आता है या नहीं। तो देखिए मैं इसके आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग बता देता हूँ। ये अपने टेम्परेचर के लिए है, आपको जिस भी डिग्री पे अपना जो पानी है गर्म करके कपड़े इसके अंदर धोने हैं उसके लिए है। ये इसकी स्पीड है जो कि RPM होती है। ये एक्स्ट्रा रिंसिंग के लिए है और इसमें कोई सिंथेटिक कपड़े धोने हैं उसके लिए। ये आपका स्टार्ट एंड प्योर स्टार्ट कर रहे हैं और अपने रिंस स्पिन मोड पे इसको दोबारा चालू करते हैं। ये देखिए ड्रेन एक्चुएटर या इसको हम पंप भी बोल सकते हैं जो कि इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ होता है। देखिए पंप की आपको साउंड आ रही है अभी, ये देखिए ये जो अपनी स्पिन मोड पे है ये एक राउंड ले चुकी है, ये लगभग 2-3 राउंड के बाद अपने फुल RPM पे आएगी मोटर और फिर ये पूरा स्पिन मोड पे अच्छी तरह से चलेगी। देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें बेल्ट है और ये इसके अंदर नीचे इसकी मोटर लगी हुई है। ये देखिए एक बार फिर से अपना पंप चलाया जो कि पानी को बाहर निकालने के लिए, ये देखिए।